तो हेलो दोस्तों, आपको बताऊंगा कि कैशक्रो एप्लीकेशन से अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, कैशबैक दिया या रिवार्ड जाता दिया है। जाता है, और रेफरल का जो आपको पैसा मिलता है वो कैशबैक होता है या रिवार्ड होता है। उसे बैंक में कैसे विड्रॉल करना है तो वो सब आपको जानकारी इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो दोनों सेम नहीं है, आपको दोनों का विड्रॉल कैसे होता है वो भी बताऊंगा, और दोनों में क्या अंतर है वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि कैशबैक कैसे दिया जाता है। तो कैशबैक यहाँ देखिए, टॉप कैशबैक स्टोरेज है स्टोर्स है जैसे कि अमेजन, मिंत्रा, अजियो, ये सबसे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कैशबैक दिया जाता है। और कैशबैक कैसे विड्रॉल करना है, कितना विड्रॉल करना है वो सब आपको बताऊँगा। एक बात और बता देता हूँ कि जो पहले का कंडीशन था कि आप कुछ भी विड्रॉल करते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपया होना चाहिए तो विड्रॉल होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप कैशक्रो पे आसानी से 1 रुपया भी है तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे वो रिवॉर्ड हो या वो कैशबैक हो। तो इसमें अब दिक्कत नहीं है, आप 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, वो भी आप रिवॉर्ड विड्रॉल कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आप 250 रुपया पूरेगा तभी आप विड्रॉल ले सकते थे। और इसका विड्रॉल कैसे, किस में जाएगा, कैसे आएगा, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पर ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, आप कैशबैक है। अब मैं आपको एक और चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ माय प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से टोटल कैशबैक और टोटल रिवार्ड, जो कैशबैक दिया जाता है वो रेफरल का भी कैशबैक ही होता है। जो रेफरल करते हैं आप किसी भी फ्रेंड को तो वो भी एक कैशबैक में आता है। और रिवार्ड में जब आप इससे कोई चीज़ कोई क्रेडिट कार्ड इसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो भी रिवार्ड में ही आएगा। तो रिवॉर्ड भी विड्रॉल होता है और कैशबैक भी विड्रॉल होता है। अब मैं अपना पेमेंट पे क्लिक करके बता देता हूँ। तो पेमेंट पे मैं जैसे क्लिक किया हूँ तो देखिए, अभी 15 रुपया और 13 रुपया रिवॉर्ड और 15 रुपया कैशबैक शो हो रहा होगा आपके सामने, जबकि मेरे जो टोटल बैलेंस है वो 128 रुपया है। तो 100 रुपया है जो दोस्तों वो मेरा रेफरल का है, वो 72 घंटा के अंदर में आता है। तो अभी 72 घंटा नहीं पूरा है, वो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो आ जाएगा। तो देखिए, इसमें कैशबैक पे मैं क्लिक कर दिया हूँ तो देखिए, तो आप जब भी कैशक्रो से शॉपिंग करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट ही आपके कैशबैक में चला जाता है, जितना भी उसका कमीशन होता है। और कैशबैक पेमेंट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, तो आप कैशबैक जो होता है उसे डायरेक्ट अपने किसी भी बैंक में ले सकते हैं UPI और अकाउंट नंबर FC कोड के द्वारा। आप ये कैशबैक आप अमेजन के गिफ्ट कार्ड या अमेजन पे बैलेंस या फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के तौर पे भी इसे रिडीम कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि कैशबैक किस तरह से विड्रॉल किया जाता है, बैंक में भी आ जाता है कैशबैक। अब मैं आपको रिवार्ड बता देता हूँ कि रिवार्ड कैसे विड्रॉल करते हैं और उसका क्या कंडीशन है। तो देखिए, मैं इसे क्लिक कर दिया हूँ। आप जब भी कैशक्रो के द्वारा किसी भी दूसरे वेबसाइट से जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं, उससे कुछ सामान परचेस करते हैं तो वो आपको रिवार्ड में शो हो जाता है। तो उसको कैसे विड्रॉल किया जाता है, तो ये भी एक रियल मनी है दोस्तों। ये भी आपको बैंक में जैसे अमेजन पे बैलेंस अगर आपके पास है तो उसमें आ जाएगा आपका ये रिवॉर्ड, और फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के तौर पे ही आएगा। तो ये इसमें बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होता है। अमेजन पे बैलेंस अगर आप यूज करते हैं तो आपको अमेजन पे बैलेंस में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका जो भी मनी है वो अमेजन पे बैलेंस में आएगा, और गिफ्ट कार्ड आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट का ही मिलेगा, और इसमें बैंक में विड्रॉल का नहीं है। तो रिवार्ड में ये अंतर है और कैशबैक में वो अंतर है कि कैशबैक आपको बैंक में भी विड्रॉल दे देता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कैशबैक और रिवार्ड में क्या अंतर है। और कैशबैक आपको रेफरल पर भी दिया जाता है, जिसे आप बैंक में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक कैशबैक आप करते हैं तो 100 रुपया आपको मिलता है, और 100 रुपया आपको फ्रेंड के भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैशक्रो का, आप जल्दी से जाइए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ फुल ट्यूटोरियल चाहिए कि इस पर शॉपिंग कैसे किया जाता है, कितना कमीशन किस में दिया जाता है, तो वो भी वीडियो है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख सकते हैं। कैशक्रो एक आप समझ सकते हैं कि एफिलिएंट जैसा ही ये वेबसाइट है, जैसे अमेजन एफिलिएंट होता है, इसी तरह से है। आप अगला वीडियो में बताऊँगा कि आपको कैशबैक कैसे विड्रॉल करना है, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, और रिवार्ड कैसे आपको जैसे अमेजन पे बैलेंस है तो उसमें कैसे लेना है, और गिफ्ट कार्ड कैसे फ्लिपकार्ट का लेना है, तो वो अगला वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए।